हेलो गाइस, आज हम बहुत ही सिंपल सूट की कटिंग करेंगे। इसके ना तो हमें प्लेट्स डालनी है और ना ही नीचे लाइनिंग लगानी है। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। वैसे तो लाइनिंग लगनी थी, पर कस्टमर ने बोला है कि नहीं लगाने, शीशे जैसा वर्क हुआ हुआ है, पर रियल शीशे नहीं है, ये सितारे से हैं बड़े बड़े लगे हुए। इस सूट पर चुभने वाले हैं, लेकिन कस्टमर ने बोला है कि लाइनिंग नहीं लगवानी। और मैंने लंबाई चेक कर ली है, पूरी पूरी है हमारी, और इसका फ्रंट का नेक बना हुआ है। मैंने ऊपर से 13.5 इंच और नीचे को 7 इंच लेकर 2 बार गुलाई डाल ली है, और अब चेस्ट का निशान लगा लिया है। चेस्ट का निशान इसका था 46 इंच, 46 का फोर्थ भाग लेना था, वो 11.5, और ऊपर से 2 इंच सीधा लेकर 8 इंच पर कमर और 15 इंच पर हिप का निशान लगाया था। और इनकी कमर थी 42 इंच, उसका मैंने फोर्थ भाग 10.5 ले लिया था, और हिप थी इनकी 46 इंच, उसका भी फोर्थ भाग 11.5 लेकर मैंने इंची टेप से मैच कर दिया है। और सीधा सीधा निशान लगाकर 1.5 इंच का मार्जिन छोड़कर मैं इसे सीधा सीधा कट कर दूंगी। लंबाई हमारी पूरी है जितनी हमें चाहिए, 1 आधा इंच कमी होगी, पूरी नहीं होती लंबाई, क्योंकि सूट की लंबाई इनको 45 चाहिए थी, ये 44 या 43 थी शायद, लेकिन मैं अभी क्या कर सकती हूँ, पहले ही जोड़ है नीचे और फिर भी लंबाई नहीं पूरी हुई, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कपड़ा कम ही होता है ऐसे सूटों का। और अब मैंने बैक साइड का पल्ला भी फोल्ड कर लिया है, और उसके ऊपर फ्रंट का पल्ला बिल्कुल सही तरीके से रख देना है और सेम वैसे ही कट कर देना है मैंने। और फिटिंग का निशान मैंने फ्रंट पर ही लगा लिया था, बैक साइड बस ऐसे ही सिंपल कट कर देनी है जैसे हमारी है। और ऊपर से तिरछी काट भी डाल दी है मैंने, और फ्रंट का मोड़ा भी मैंने आगे को डीप कटिंग कर दिया है थोड़ा सा सेट करके बिल्कुल एक जैसा। इसका गला भी थोड़ा नेक जो था ना टेढ़ा बना हुआ था, फिर भी मैंने सेट करके किसी तरह से कट कर दिया है। 2.5 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा गला ले लिया है मैंने बैक साइड का, इनको डीप गले ही चाहिए थे दोनों तरफ। और अब मैं फिटिंग का निशान पक्का करके दूसरी साइड पर भी ले लूंगी, और हमारी ये फ्रंट और बैक की कटिंग पूरी हो जाएगी। बैक पर मैंने नेक का निशान भी ले लिया है, कट कर लिया है, बस वहाँ पर रेप पट्टी लगेगी, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। सूट तो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन इसकी स्लीव बहुत सुंदर है। इसके आगे नेट का डिजाइन फ्रिल टाइप बना हुआ है अम्ब्रेला शेप में, और इसकी चौड़ाई कम है बाजू की। इसके नीचे हमें कपड़ा लगाना पड़ेगा, और देख ली जैसे मैं नीचे को 3 इंच का गहराई लेकर कट करती हूँ ना, वही हम कपड़ा म्यानी की तरह यूज कर लेंगे नीचे जोड़ लगाने के लिए। बहुत सुंदर स्लीव लग रही थी, बाकी सूट तो बिल्कुल सिंपल था, एक उसने लाइनिंग भी नहीं लगवाई, तो चुभने वाला है सितारों सितारे जैसा वर्क हुआ हुआ है सूट के ऊपर। और स्लीव भी मैंने कट कर दी है, आगे जोड़ लगेंगे चारों तरफ स्लीव के। और ये मैंने पैंट के लिए कपड़ा फोल्ड कर लिया है, ये कपड़े पर बहुत ज़्यादा बल थे, मैंने पहले प्रेस किया था इस शर्ट का कपड़ा भी और पैंट का कपड़ा भी, मैंने डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया है अच्छी तरह। और ऊपर से जो तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा था वो ठीक करके अब मैंने निशान लगा लिया है। सेफ फट्टी से सबसे पहले निशान लगा लेना होता है, और फिर मैं लंबाई ले रही हूँ 1 इंच ऊपर को निकाल के, क्योंकि ऊपर बेल्ट लगेगी। और इसकी लंबाई है हमें 36 इंच चाहिए थी, और इसकी कमर लेनी है, फिर कमर से आगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर और हमें थाइस का निशान लगा लेना है। इसकी थाइस मैंने नापी नहीं थी, तो फिर मैंने कमर से जो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिए थे उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 14 इंच ले ली थी, 14 में से 7 इंच सेंटर करके फ्रंट पर निशान लगा लिया है हमने प्लेट का। और नीचे भी जो हमारा प्लेट का निशान है उस जो वो सेंटर है उतना ही हमने नाप कर इधर से पोंछे की तरफ भी सेंटर पे निशान लगाकर दोनों तरफ से 4-4 इंच का निशान लगा लिया है। 8 इंच का इनको 8 इंच का पोंछा चाहिए था, और बिल्कुल निशान के ऊपर मैंने कट कर देना है। और जो हमारी थाई है उसका सेंटर करना होता है, फिर प्लेट का निशान आता है, और फिर पैंट के नीचे पोंछे का निशान भी वैसे ही आता है। और छोटे छोटे कट लगा लिए हैं मैंने नीचे फोल्ड करने वाली जगह पर, 2.5 इंच नीचे छोड़ा था फोल्ड के लिए, वो मैंने कट लगा लिए हैं। अब फ्रंट का पल्ला मैंने ऐसे बिछा लिया है, मैंने जो बंद साइड है वो अपनी तरफ कर लिया है, और फ्रंट का पल्ला ऊपर बिछा कर आसन की तरफ से आगे को 2 इंच बढ़ा लिया है, और ऊपर को सीधा ले लिया है, और ऊपर भी 2.5 या 3 इंच लेना है, और इस तरह से तिरछा निशान लगा देना है, और पोंछे की तरफ से भी 2-2 इंच आगे को कर लेना है हमें। और ये बस बैक साइड के पल्ले को बढ़ाना होता है, फ्रंट का पल्ला फ्रंट का हम पूरा पूरा नाप लेते हैं, और इस तरह शेप फट्टी से निशान बना लेना है। आसन की तरफ से ही 2-2 इंच बढ़ाना है, और ऊपर से तिरछा ऐसे बढ़ा देना है, ऊपर से 3, अगर ज़्यादा हैवी साइज हो तो 3 इंच, नहीं तो 2.5 या 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं। इसका मैंने 2.5 इंच लिया था, और इस तरह से हम सीधा कट कर लेंगे, और 2 इंच एक्स्ट्रा जो आगे लिया है वहाँ पर से कट कर देना है सीधा सीधा, और यहाँ कट लगा देने हैं
ताकि हमें निशान पता चल जाए कि कितना हमने फोल्ड करना है। अब मैंने पॉकेट काटनी है, इनको जिप नहीं लगवानी, इसलिए मेरा काम थोड़ा और अच्छा आसान हो जाएगा। जिप के साथ अगर जिप लगाएं तो आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। जिप लगानी, हुक लगानी होती है। 13.5 इंच लंबी मैंने पॉकेट ले ली है, ऊपर से 5.5 इंच का निशान लगाकर हल्की सी गुलाई डाल देनी है और हमारी पॉकेट भी रेडी हो गई है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मेरी शॉर्ट वीडियो भी जरूर